रसोई बहुत दूर है। आपने आज तक बहुत तरह के आलसी स्वभाव वाले लोग देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको ऐसी कहानी दिखाने वाले हैं जिसमें सब एक से बढ़कर एक आलसी है। अरे सुनती हो भाग्यवान, जरा एक कप चाय तो पिला दो। भाई तुम्हें तो पता है कि नहाने के बाद हमें चाय चाहिए होती है, लेकिन रोज का नाटक है तुम्हारा। चाय मांगते मांगते लंच का समय हो जाता है, लेकिन तुम्हारी चाय नहीं आती। ये सोफे पर बैठकर भाग्यवान भाग्यवान चिल्लाने से कुछ नहीं होता। या तो थोड़े हाथ पैर हिलाकर अपने लिए चाय खुद बना लो, या फिर निकल जाओ अपने किसी यार दोस्त के यहाँ, वहीं जाकर चाय पी लेना। अरे मुझे परेशान करने की क्या जरूरत है? जब मुंह खोलती हो ना तो मुंह से आग ही बरसाती हो। लेकिन मानना पड़ेगा आज तुमने बड़ी पते की बात करी है। ठीक कह रही हो, किसी दोस्त के यहाँ निकल जाता हूँ, चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी मिल जाएगा। तुमसे तो एक कप चाय भी बनाई नहीं जाएगी, नाश्ता तुम क्या खा खिलाओगी? चाय पीने की इच्छा मन में दबाए गुप्ता जी कॉलोनी में ही रहने वाले विश्वकर्मा जी के यहाँ पहुँच जाते हैं। अरे गुप्ता जी आइए आइए, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए आपने। अरे भाई साहब बड़े दिन कहाँ हुए, अभी 3 दिन पहले ही तो आए थे, बस आपसे मिलना नहीं हो पाया था। आप शायद ऑफिस गए हुए थे, आज बैठे बैठे अचानक आपकी याद सताने लगी तो सोचा चलकर बैठ कर ली जाए। अरे क्यों नहीं क्यों नहीं, आप बैठिए, मैं जरा बहू को चाय के लिए बोल कर आता हूँ। हाँ ये हुई ना बात, अरे हम कौन सा आपसे मिलने के लिए आए हैं, हम भी तो यहाँ चाय पीने के लिए आए हैं। बस गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो मैं भी चलूँ, वैसे भी आज भारत पाकिस्तान का मैच है, उसे मैं मिस नहीं कर सकता। विश्वकर्मा जी रसोई में जाकर बहू को एक कप चाय बनाने के लिए कहते हैं। ये लो अभी सबको चाय नाश्ता करा कर रसोई साफ की है मैंने, एक और मुसीबत चली आई चाय पीने के लिए। मैं तो अपना काम निपटा कर अपने कमरे में जा रही हूँ, अपने आप माँ जी निपटेंगी बाऊजी और उनके दोस्त से। रजनी जल्दी जल्दी अपना रसोई का काम निपटा कर कमरे में जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर तक चाय का इंतजार करने के बाद, अरे विश्वकर्मा जी की बहू क्या चाय मोमबत्ती पर रखकर बना रही है, जो इतना समय लग रहा है, इतनी देर हो गई अभी तक नजर ही नहीं आई। लगता है बहू चाय बनाना भूल गई, आप रुकिए मैं जरा एक बार देख कर आता हूँ। विश्वकर्मा जी बहू के कमरे के बाहर जाकर दस्तक देते हैं। अरे बहू तुमसे चाय बनाने के लिए कहा था, इतनी देर हो गई बेटा, क्या बात है, भूल गई थी क्या? सुबह से काम निपटाते हुए अभी तो फ्री हुई हूँ, अब इनके दोस्त आकर बैठ गए, अब इनके लिए चाय बनाओ। और चाय भी तो सबको मसाला वाली चाहिए, पहले अदरक कुटो, फिर इलायची कुटो, फिर उसमें पानी डालकर पकाओ, उसके बाद चाय पत्ती पकाओ और फिर दूध पकाओ। अरे यार सब कुछ पकाते पकाते मैं ही पक जाती हूँ, पता नहीं किसने ये चाय का आविष्कार किया, आधा दिन तो गैस पर चाय का भगोना ही चढ़ा रहता है। मेरे बस की नहीं है चाय वाय बनाना, ऐसा करती हूँ दूध में बॉर्नविटा मिक्स करके दे देती हूँ, बाबूजी को कौन सा पता लगने वाला है कि चाय में मसाला डला है या बॉर्नविटा। ऐसी चाय पिलाऊंगी ना इन गुप्ता जी को कि हमारे घर आगे से चाय पीने के लिए आना ही बंद कर देंगे। खूब समझती हूँ मैं इनका नाटक, रोज रोज चले आते हैं मुंह उठाकर, काम कुछ होता नहीं, इनको बस चाय पीनी है और फिर सरक लेंगे। गुस्से में बड़बड़ाते हुए रजनी किचन में जाती है और सचमुच एक कप दूध में बॉर्नविटा घोल कर ले जाकर गुप्ता जी के सामने रख देती है। चाय को देखकर तो गुप्ता जी की आंखों में जैसे चमक आ गई थी, खुशी खुशी वो चाय का कप उठाते हैं और जैसे ही अपने मुंह से लगाते हैं उनको झटका से लग जाता है। सत्यानाश, बेड़ा गर्क करके रख दिया चाय का, मुंह का स्वाद खराब कर दिया। हाय क्या सोचकर आया था, चाय मिलेगी साथ में बढ़िया बढ़िया नाश्ता मिलेगा, लेकिन मिला क्या, बॉर्नविटा। मुझसे तो ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है, करूँ तो क्या करूँ, कुछ बोल भी तो नहीं सकता। ऐसा करता हूँ चुपचाप पी लेता हूँ और निकल लेता हूँ यहाँ से। मैं तो कान पकड़ता हूँ, आज के बाद इनके यहाँ चाय पीने तो क्या मैं कभी आने ही नहीं वाला। क्या यही संस्कार होते हैं बहू के कि घर आए मेहमान को दूध में बॉर्नविटा घोल कर पिला दिया? अरे ऐसा भी कौन सा बहुत मेहनत का काम होता है चाय बनाना, पानी उबालो चीनी पत्ती डालो, मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं, लेकिन पता नहीं इन औरतों को चाय बनाने में क्या मौत आती है। ऐसी हमारी श्रीमती जी है, जो चाय मांगो तो एटीट्यूड दिखाती है, वैसी उनकी बहू। बॉर्नविटा वाली चाय पीकर उस दिन गुप्ता जी ऐसे सर पर पांव रखकर भागे कि फिर कभी विश्वकर्मा जी के यहाँ नजर नहीं आए। इधर बहू रजनी भी बड़ी खुश थी कि उसने आज रोज रोज चाय के लिए आने वाले गुप्ता जी को ठिकाने लगा दिया। लेकिन जॉइंट फैमिली में आने वाले ये कोई इकलौते मेहमान तो थे नहीं। 2 दिन बाद, अरे बहू एक कप कॉफी बना देना जरा, मेरी सहेली आई है। लो फिर आ गया एक बिन बुलाया मेहमान।
इतनी गर्मी पड़ रही है लेकिन ये चाय कॉफ़ी पीने वालों को शर्म नहीं आती, दिन में चार चार बार चाय कॉफ़ी पी जाते हैं, पता नहीं इन्हें पचती कैसे। और माँ जी की सहेली को देखो, 60 साल की उम्र हो रही है इनकी लेकिन पियेंगे काफ़ी। अरे डर नहीं लगता इतनी गर्मी में गर्म कॉफ़ी पीने से, हीट स्ट्रोक आ गया तो राम नाम सत्य हो जाएगा। आज इन्हें मैं ऐसी कॉफ़ी पिलाऊंगी कि आज के बाद हमारे इधर कॉफ़ी पीने के लिए आना ही बंद कर देंगी। रजनी रसोई में जाती है और उबलते हुए दूध में चॉकलेट पाउडर डालकर ले आती है। अरे वाह बेटा, कॉफ़ी में से खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, चॉकलेट पाउडर डाला है क्या? सच्ची बहन जी क्या बताएं, इतनी बढ़िया कॉफ़ी बनाती है हमारी बहू, आप पियेंगी तो याद रखेंगी। सहेली जैसे ही पहला घूंट भरती है मन ही मन सोचती है, छी इसे कॉफ़ी कौन कहता है, ऐसा लगता है सिर्फ चॉकलेट पाउडर ही भर कर ले आई है। लगता है बहू को चॉकलेट पाउडर कुछ ज़्यादा ही पसंद है, इसलिए कॉफ़ी की जगह बस चॉकलेट पाउडर मिला कर ले आई। इतनी बेस्वाद कॉफ़ी पीने के बाद सास की सहेली रमा बेचारी ऐसे भागती है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो, और उस दिन के बाद तौबा कर लेती है कि उनके यहाँ आकर चाय कॉफ़ी तो कभी नहीं पीनी। लगभग हर मेहमान का यही हाल था, रजनी से कभी भी चाय नाश्ता बनाने को कहा जाता तो वो ऐसी कॉफ़ी चाय पिलाती कि सामने वाला पीने से पहले ही सदमे में आ जाए। पहले तो परिवार के लोग ये बात समझ ही नहीं पाते थे कि आखिर मेहमान उनके घर आकर चाय कॉफ़ी के नाम से इतने घबरा क्यों जाते हैं, लेकिन जब परिवार के लोगों के साथ भी यही होने लगा तब धीरे धीरे सभी को ये बात समझ में आ गई थी कि रजनी अपने आलस के चक्कर में सबको उल्टा पुल्टा खाना बनाकर खिलाती है। अरे कोई भी मेहमान घर पर आ जाए इसकी शक्ल पर तो 12 बज जाते हैं, और फिर इसे अगर ज़रा सा चाय कॉफ़ी बनाने को कह दो तो फिर तो बस इसकी शक्ल देखने लायक होती है। तुझे पता है 30 दिन पहले तेरी मौसी आई थी, मैंने बहू से कहा ऐसा कर दाल चावल बना दे, रात के समय वो थोड़ा हल्का ही खाना खाती है। तुझे पता है क्या बना कर दिया तेरी बीवी ने? अरे खिचड़ी बना कर ले आई, बोली दाल चावल अलग अलग बनाने में मेहनत क्या करनी, मैंने तो दाल चावल एक साथ मिलाकर बना दिया है, लो खा लो। अब तू ये बता है कोई इस बात का जवाब? कभी गुप्ता जी को दूध में बॉर्नविटा मिलाकर पिला देती है तो कभी किसी को चॉकलेट पाउडर घोल कर दे जाती है। अरे मेरी सहेली को नींबू पानी में नींबू की जगह आमचूर मिलाकर दे गई, कहती है खट्टा तो आमचूर भी होता है ना। अरे बेटा तू इसे कुछ कहता क्यों नहीं? माँ किसने कहा आपसे कि मैं उसे कुछ नहीं कहता? अरे जब भी उसे काम के बारे में पूछो तो कहती है उसे उठकर काम करने में आलस आता है। ठीक है बेटा, आलस की वजह से उसने समाज में हमारी 2 पैसे की इज्जत नहीं छोड़ी। ठीक है, अब उसे आलस का मतलब हम बताएंगे। अगले दिन, अरे 9 बज रहे हैं, आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या? नहीं यार, बहुत आलस आ रहा है, हिलने का भी मन नहीं कर रहा, बस मन करता है कि ऐसे ही पड़ा रहूं। तुम ऐसा करो ना, नाश्ता यहीं बिस्तर पर ले आओ, मुझसे तो हिला भी नहीं जाएगा। अरे कैसी बात कर रहे हो, प्रमोशन का समय चल रहा है और तुम छुट्टी लेकर बैठ गए, ऐसे कैसे चलेगा? चलो जल्दी से कॉफ़ी पियो और ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। अरे नहीं यार, तुम प्रमोशन की बात कर रही हो, मैंने तो ऑफिस में रेजिग्नेशन भेज दिया है, मुझसे नौकरी नहीं होने वाली। रोज़ रोज़ सुबह 7 बजे उठो, ऑफिस जाओ, पूरा दिन गधों की तरह काम करो, मेरे बस का नहीं है ये सब, मैं तो घर में बैठकर आराम से सिर्फ टीवी देखना चाहता हूँ। हैं, घर पर बैठकर टीवी देखोगे तो घर कैसे चलेगा? मैंने कहा ना मुझे आलस आता है, अब नौकरी नहीं हो पाएगी मुझसे। मैं तो सोच रहा हूँ मकान बेच देते हैं और किराए पर कोई छोटा सा कमरा ले लेते हैं, जो पैसे मिलेगा उससे कम से कम 5-10 साल तो हमारे घर का खर्चा चल ही जाएगा। अच्छा, मकान बेचकर 5-10 साल तुम घर चलाओगे और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद देखेंगे, कुछ और बेच देंगे। देखो रजनी, मैं बता रहा हूँ, प्राण जाए पर आलस ना जाए, अब ये आलस मैं नहीं छोड़ सकता, नौकरी रहती तो रह जाती है तो जाए मेरी बला से। अरे पता नहीं कैसी बह की बातें कर रहे हो, रुको मैं अभी माँ जी को बता कर आती हूँ। माँ जी, आशीष कह रहे हैं कि नौकरी छोड़ देंगे, मकान बेच देंगे, लेकिन अपना आलस छोड़कर नौकरी नहीं करेंगे। अरे अपने आलस के लिए कोई नौकरी छोड़ देता है क्या? आप उनको समझाइए ना। अरे बेटा मैं क्या समझाऊँ, जैसे तुझे आलस आता है ना बेटा, आलस की वजह से तू मेहमानों को चाय में बॉर्नविटा घोल के पिला देती है, वो बेचारा भी तो 8 घंटे नौकरी करता है, इसीलिए मैंने कहा चल ठीक है, जब बहू को अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी है तो मैं तुझ पर क्यों दबाव बनाऊँ, तू भी छोड़ दे नौकरी। मुझे अपनी गलती समझ में आ गई, मैं समझ गई आप लोग मुझे क्या समझाना चाह रहे हो।
मैं अपनी गलती मानती हूँ, आगे से मुझसे कोई गलती नहीं होगी, लेकिन प्लीज आशीष को कहिए ना वो अपनी जॉब ना छोड़े। रजनी के वादा करने पर आशीष फिर से ऑफिस जाने लगता है और रजनी भी अपना आलस छोड़कर सब काम सही तरीके से करने लगती है। हर समय सास और बहू का रिश्ता खराब नहीं होता, किसी किसी समय ऐसा भी होता है कि एक अच्छी सास बेटे से ज्यादा अपनी बहू का ख्याल रखती हो। माँ मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, मैं इस घर में किसी भी हाल में नहीं रह सकती। ये फैसला राधा की बहू लीना का था, कारण उसका और उसके पति के बीच बिल्कुल ना बनना। अरे क्या हो गया बेटा, और ये गाल तेरे कैसे लाल है, फिर से उसने तुझे मारा क्या? वो अब नई बात नहीं है माँ, लेकिन आज तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते। अच्छा क्यों भाई, क्यों नहीं रहना चाहता, जरा बुला तो उसे। तभी वहां प्रशांत आता है। हाँ क्या है माँ, क्या बात हो रही है, क्या बोल रही हो? मैंने कहा ना एक बार कि मैं इसके साथ नहीं रह सकता, बस। अरे ना रे, किसने कहा, निकल जा घर से। प्रशांत माँ की बात सुनकर हैरान हो जाता है। हैं? कैसी बात कर रही है माँ, मैं कहाँ जाऊंगा, वैसे भी हम यहीं रहेंगे, जाएगी तो ये। लीना रोते हुए अपने कपड़े पैक करने चली जाती है और घर से निकल ही रही होती है कि रुक, तू कहाँ चली कपड़े लेकर? कैसी बात कर रही है माँ जी, वो साफ साफ तो बोल रहे हैं कि मेरे साथ नहीं रहना चाहते, तो क्या करूं मैं? हाँ तो उसे ना रहना है तो ना रहे, जाए यहाँ से। तू भूल गई बहू, घर मेरे नाम का है, तेरे पति के नाम का नहीं, तो निकलेगा ये, तू नहीं। कैसी बात कर रही है माँ, मैं बेटा हूँ तेरा, ये जाएगी घर से बाहर। ना ना बेटा, तूने मेरे लिए किया ही क्या है, अरे सारा दिन ये बहू है जो मेरा ख्याल रखती है, ये कमाती है और सारा खाना भी बनाती है, एक एक पैसा घर पर देती है। अरे मेरी कौन सी दवा है कौन सी नहीं, ये भी इसी को पता है, तुझे पता है क्या? तेरी दवा, तुझे क्या हो गया माँ, सही तो है तू? नहीं माँ को बीपी और शुगर की प्रॉब्लम है, मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ, जो जो दवाई माँ लेती है बता देती हूँ। हाँ ठीक है, माँ की दवा रखने वाली, जा निकल घर से। सास को बेटे पर गुस्सा आ रहा था। अरे क्यों बोल रहा है बार बार, चली जा चली जा, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी, यही तो मेरे लिए बुढ़ापे का सहारा है। बेटे को माँ पर गुस्सा आता है, वो घर छोड़कर जाने लगता है कि उसकी बीवी उसे रोक लेती है। देखिए मेरे कारण आप अपना घर ना छोड़े, मैं दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ, सोचिएगा कि मैं इस घर में हूँ ही नहीं, वैसे भी माँ का ख्याल रखने के लिए आपको किसी ना किसी को तो रखना पड़ेगा ना। लड़का मान जाता है और बीवी के साथ रहने को हामी भर देता है। अब क्या, जब वो सुबह सोकर उठता उसकी बीवी उसके लिए चाय बना कर रख देती, ऑफिस के लिए टिफिन और कपड़े साफ कर अलमारी में रखना। अरे क्यों काम करती है उसके, वो तो तुझसे बात भी नहीं करता। ना करे माँ जी, मैं ये मानती हूँ कि जो मेरा कर्तव्य है वो मुझे पूरा करना है, फिर चाहे जो हो जाए। माँ जी आप उन्हें कभी मत बताना कि ये काम मैं करती हूँ। बहू अपने कर्तव्य अच्छे से पूरे करती और सास पति का ख्याल भी रखती, वो घर का काम और साथ ही दफ्तर का काम भी पूरा करती। लेकिन फिर एक दिन, तू पति के सामने आती क्यों नहीं, उसे तो तेरी परवाह है नहीं, उसका सारा काम पूरा हो जाता है और आराम से खाता पीता रहता है, फिर तू क्यों परेशान होती रहती है? बहू कुछ नहीं कहती, वहां से चली जाती है। माँ तू ना ये रोज मेरे लिए चाय और खाना मत बनाया कर, वैसे भी तू थक जाती होगी, अब मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, अब तुझे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। माँ को बेटी की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो उसे शादी के लिए मना कर देती है। अरे तेरी बीवी जिंदा है, ना ही तेरा तलाक हुआ है, वो तेरे साथ रहती है, फिर तुझे क्या ज़रूरत है दूसरी शादी करने की? माँ वो मुझे पसंद नहीं है, मैं उसके साथ नहीं रह सकता, उसे ना मेरी फिक्र है ना आपकी, मुझे उसके साथ नहीं रहना। बहू के कहने के कारण माँ बेटे से कुछ नहीं कह पाती, वो शांति रहती है, लेकिन फिर भी वो बेटे और बहू के बीच के झगड़े को समझने की कोशिश करती है। अच्छा बेटा ठीक है ना रहे उसके साथ, लेकिन ये तो बता कि बहू में कमी क्या है जो तू उसे छोड़ रहा है। देख माँ
इतने दिन से वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन मुझे उसकी कोई कमी फील नहीं हो रही। दूसरी बात, मुझे उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं है। देखा है कैसे रहती है वो। अब सास को माजरा समझ में आ जाता है कि जरूर बेटे को दूसरी लड़कियां पसंद आ रही होंगी, तभी वो ऐसा कर रहा है। बेटे के जाने के बाद वो बहू को बुलाती है। बहू जो काम करके अभी किचन से निकली होती है, उसके सारे बाल बिखरे होते हैं, पास से मसाले की बू आ रही होती है और उसकी शक्ल से चमक भी चली गई होती है, कपड़े भी अस्त व्यस्त। बेटा तू खुद का ख्याल क्यों नहीं रखती है? माँ जी वक्त ही नहीं मिलता, फिर आजकल तो ऑफिस घर से ही चल रहा है, तो क्या ख्याल रखना। ऐसा नहीं है बेटा, ऑफिस घर से चल रहा है तो खुद का ख्याल ना रखा जाए। अरे देख दूसरी लड़कियों को कितनी स्मार्ट होकर रहती है। पर माँ जी अब क्या जरूरत है, घर चल रहा है ना ठीक से, और क्या चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन खुद के लिए जरूरत है। अरे खुद को एक घंटा देना जरूरी है, क्योंकि निरोगी शरीर के लिए खुद का ध्यान रखना कोई फैशन नहीं है, जरूरत है बहू। बहू को समझ में नहीं आता कि सास क्यों उसे ये सब समझा रही है, लेकिन बहू के काम के बीच में उसे उसके लिए कैसे समय निकलवाना है ये समझाने के लिए सास उसे अपने साथ ले जाती है। बहू आज से हम दोनों योगा करेंगे, जिम जाएंगे, और हाँ हेल्दी डाइट भी फॉलो करेंगे, साथ ही पार्लर भी चलेंगे। सास बहू दोनों मिलकर खुद को वक्त देना शुरू कर देती है, और फिर कुछ ही महीनों में। क्या बात है बहू, तू तो पहचान में ही नहीं आ रही है, कैसे? सब आपकी मेहरबानी है माँ जी, सच्ची मैंने खुद को बहुत इग्नोर कर दिया था, लेकिन अब लग रहा है कि मैं गलत थी माँ जी। सास और बहू बात कर ही रहे होते हैं कि सामने से पति आ जाता है, वो बीवी को देखता ही रह जाता है। हाँ तो तू क्या कह रहा था कि तू दूसरी शादी करेगा? मैंने बहू से बात कर ली है। बहू अब कल से तू जो इसे खाना बनाकर टिफिन देती थी ना, इसके सोकर उठने से पहले चाय रख देती थी, इसके कपड़ों से लेकर सारी चीजों का ख्याल रखती थी ना, वो छोड़ देना, कल से कोई और ला रहा है ये। बेटा समझ नहीं पाता कि उसकी बीवी इतनी प्यारी कैसे हो गई। अब बहू को क्या देख रहा है, तलाक के पेपर मैंने बनवा लिए हैं, और हाँ ऊपर का पोर्शन भी खाली करवा लिया है, किराया देकर रहना शुरू कर देना अपनी नई बीवी के साथ। मैं तो अपनी बहू को नहीं छोड़ सकती। माँ मैं भी नहीं छोड़ सकता अपना परिवार, मेरी बीवी और इस घर को, मुझे माफ कर दो आप लोग।